दुनिया के 10 सबसे ऊंचे लोग जो कभी धरती पर मौजूद थे। नंबर 10 बर्नार्ड कॉइन। जुलाई 27, 1897 में जन्मे कॉइन दुनिया के चुनिंदा 17 लोगों में से एक थे जो 8 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे। जब वे 7 फीट के थे तब उन्हें आर्मी में लेने से इनकार कर दिया था। नंबर 9 डॉन कॉलर। सितंबर 1, 1925 में अमेरिका में जन्मे डॉन अपने परिवार से काफ़ी ऊंचे थे। 10 साल तक उनकी हाइट सामान्य थी लेकिन उसके बाद उनकी हाइट बदलती ही चली गई। अपनी मौत तक वह दुनिया के सबसे ऊंचे आदमी थे। नंबर 8 विकास उपल। सन 1986 में जन्मे विकास भारत के रहने वाले थे। अपने काल के वे भारत के सबसे टॉलेस्ट आदमी थे। 2007 में ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के चलते वे इस दुनिया से चल बसे। अपनी मौत के समय वे 8 फीट 10 इंच तक ऊंचे थे। नंबर 7 सुल्तान कोजन। दिसंबर 10, 1982 में जन्मे सुल्तान कोजन टर्किश फार्मर है जिनका नाम गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिना जाता है। इनकी 8 फीट 3 इंच के हाइट के चलते इन्हें चलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 6 एडाउट ब्यूपर। एडाउट अपने 20 भाइयों में से सबसे बड़े थे जिनका जन्म कनाडा में हुआ था। वे सर्कस में काम किया करते थे। राक्षस, रेसलर्स, डरावना इंसान, ऐसे कैरेक्टर्स वे निभाया करते थे। 170 किलो और 8 फीट 3 इंच के एडाउट दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर रेसलर्स माने जाते थे। नंबर 5 वैनो मिलिरिन। फरवरी 27, 1909 में फिनलैंड में जन्मे मिलिरिन 21 वर्ष की आयु में 7 फीट 3 इंच लंबे अपनी सदी के सबसे बड़े ऊंचे इंसान थे। बाद में उनकी हाइट 8 फीट 3 इंच तक बढ़ गई। उस समय फिनलैंड की आर्मी में वे सबसे ऊंचे और बड़े सैनिक थे। नंबर 4 लियोनिड स्टैननिक। अगस्त 5, 1970 यूक्रेन में जन्मे लियोनिड 8 फीट 5 इंच सबसे ऊंचे इंसान थे। 14 वर्ष की आयु में दिमाग की सर्जरी के बाद उनकी हाइट लगातार बढ़ती चली गई। 44 की आयु में ब्रेन हैमरेज के चलते वे दुनिया से चल बसे। नंबर 3 जॉन कैरोल। 1932 में अमेरिका में जन्मे जॉन को 2 डायमेंशनल स्पिनल कर्वेचर की बीमारी थी जिसके चलते उनकी हाइट काफ़ी बढ़ गई थी। ये बढ़कर 8 फीट 7 इंच हो गई थी। रॉबर्ट वार्डलो, जिन्हें अल्टॉन जायंट के नाम से भी जाना जाता है। अब तक की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ऊंचे इंसान रॉबर्ट वार्डलो है। फरवरी 22, 1918 में जन्मे रॉबर्ट की हाइट 8 फीट 11.1 इंचेस थी और वजन 199 किलो। पिट्यूटरी ग्लैंड में चलते कुछ गड़बड़ी की वजह से उनकी हाइट लगभग 9 फीट तक हो गई थी जो कि अब तक की सबसे ऊंची और विशाल थी।